तो चलिए न्यूज ब्लास्ट पर आगे बढ़ते हैं। रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट में खबरों का। गृहमंत्री अमित शाह का 14 अक्टूबर को जयपुर दौरा, एक बार फिर से राजधानी जयपुर की धरा पर होंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर सकते हैं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। बैठक में चुनाव प्रबंधन समिति से जुड़े नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक वो लेने वाले हैं। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन सभी का एक टास्क ये भी रहेगा, क्योंकि जो पहली सूची अभी जारी हुई है 41 नामों की, उस सूची के बाद विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अपनों ने ही अपनों से मुंह मोड़ लिया है और कहीं ना कहीं अब स्थिति को संभालने की जब बागडोर की बात हम करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचक कहे जाते हैं, 14 अक्टूबर को एक बार फिर से जयपुर का दौरा उनका रहेगा। विधानसभा चुनावों की तैयारियां किस तरह से है, इसके बाद में दूसरी सूची कब आएगी, दूसरी सूची से पहले जो पहली सूची के अंदर जितनी भी बातें सामने आई हैं, वो तस्वीरों, वो जानकारी यकीनन उन तक पहुंच रही होगी, क्योंकि आलाकमान वो है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं के जरिए पूरी जानकारी जुटाते हैं। ऐसे में समीक्षा भी हो सकती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। इस बैठक में चुनाव प्रबंधन समिति से जुड़े नेता तो होंगे, पदाधिकारियों की बैठक वो लेंगे। क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है, उसकी स्ट्रैटेजी पर किस तरह से काम किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक जिस मैसेज को पहुंचाने की भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की कोशिश कर रही है, जिस अंत्योदय के रास्ते पर चलने का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है, उसमें कितनी खरी उतर पाई है और जनता के बीच किस तरह का माहौल है, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो गया है, 25 नवंबर को सभी की किस्मत कैद हो जाएगी। ऐसे में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी इस बैठक में होंगे, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी इस बैठक में होंगे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पूरा ब्यौरा उन्हें देंगे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन तारीख होगी 14 अक्टूबर, एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर। तो मणिपुर हाईकोर्ट से जस्टिस एमवी मुरलीधरन का तबादला, जस्टिस मुरलीधरन का कलकत्ता हाईकोर्ट में अब तबादला हो गया है। मणिपुर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे एमवी मुरलीधरन। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 अक्टूबर को उनके तबादले की सिफारिश की। 10 अक्टूबर को मुरलीधरन ने कॉलेजियम से अनुरोध भी किया मद्रास हाईकोर्ट भेजने या फिर मणिपुर में ही रहने का अनुरोध उन्होंने किया। 11 अक्टूबर को यानी कल कॉलेजियम ने नामंजूर किया था मुरलीधरन का अनुरोध और उसके बाद अब उनकी बात साफ हो गई है, ये स्पष्ट हो चुका है कि उनका तबादला हो चुका है। उसके बाद में उनके अनुरोध को भी यहाँ पर नहीं सुना गया, क्योंकि जिस तरह की भी परिस्थितियां मणिपुर में हमने देखी, इसके बाद में एक सवाल था और सवाल जब उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। मणिपुर हाईकोर्ट के जस्टिस एमवी मुरलीधरन के तबादले से जुड़ी हुई एक बार फिर से आपको खबर बताते हैं। जस्टिस मुरलीधरन का कलकत्ता हाईकोर्ट में तबादला मणिपुर हाईकोर्ट से किया गया। चीफ जस्टिस एमबी मुरलीधरन पहले मणिपुर के थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 अक्टूबर को तबादले की सिफारिश रखी। 10 अक्टूबर को उन्होंने अनुरोध कॉलेजियम से किया था। उन्होंने कहा था कि मद्रास हाईकोर्ट भेजना उनके लिए प्रेफरेबल रहेगा या फिर मणिपुर जो उनकी वर्तमान कार्य स्थिति रही उसमें ही उन्होंने रहने का अनुरोध किया, लेकिन 11 अक्टूबर को कॉलेजियम ने उनके अनुरोध को नामंजूर किया और उसके बाद उनका तबादला कलकत्ता हाईकोर्ट में किया। इसराइल से भारतीयों को सुरक्षित लाने के प्रयास जारी है। ऑपरेशन अजय पर विदेश मंत्रालय का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि आज रात भारतीयों को इसराइल लेने के लिए विमान जाएगा, आज रात तेल अबीब पहुंचेगी एक फ्लाइट और कल सुबह भारतीयों को सकुशल अपने वतन वापसी का तोहफा देने के लिए भारतीय सरकार, जो जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें और जितने भी भारतीयों के परिवार वाले यहाँ पर हैं, जो वहाँ इस समय उस सिचुएशन को देख रहे हैं, उसे जूझ रहे हैं, उन्हें भी अब थोड़ी शांति की जरूरत, क्योंकि हमास के हमले को आतंकी हमला भारत साफ तौर पर मान रहा है और भारत का रुख इसमें एकदम साफ है। विदेश मंत्रालय की ओर से बातें कही गई। उन्होंने कहा कि पहली फ्लाइट जो आज रात को निकलेगी उसमें 230 भारतीय वतन वापसी करने वाले हैं, चार्टर फ्लाइट से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। ये भी बताया कि हमारा फोकस भारतीयों को इसराइल से निकालने पर है, सरकार के एडवाइजरी का पालन भारतीय करें, जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, जो चाहते हैं कि सकुशल अपने घर पर आ जाए, और हर इंसान की यही उम्मीद, क्योंकि इस कदर भयावह मंजर जिंदगी में संभवतः किसी ने देखा नहीं होगा। जिस तरह से वहां पर नरसंहार फैला हुआ है, भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं और उनको लेकर के जो विदेश मंत्रालय है वो बिल्कुल चिंतित है, चिंतित होने के साथ साथ काम भी कर रहा है। आज रात ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल पहुंचेगा विमान और फिर भारतीयों को वापस लाएगा। पहली बार का जो फेरा होगा इसमें 230 भारतीय आएंगे, लेकिन
इसको लेकर के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने कहा कि जो भारतीय सरकार की गाइडलाइंस है उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए और उसके बाद में विश्वास की रखा जाए कि वतन वापसी का जब वायदा किया है तो वतन वापसी होकर रहेगी। ऑपरेशन अजय की शुरुआत आज से। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। एस जयशंकर को गृह मंत्रालय ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। आईबी रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने जेड श्रेणी की सुरक्षा उनको दी है। जेड श्रेणी में 36 सीआरपीएफ कमांडो एस जयशंकर की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। विदेश मंत्री को पहले से वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है लेकिन इस सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए उन्हें अब जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार देखिए मुखर होकर वो बातें रखते हैं लेकिन जिस दायित्व को संभाल रहे हैं उस दायित्व को संभालते हुए कई बार इस तरह की स्थितियां बन जाती है क्योंकि आप हाल ही में देख लीजिए इसराइल विमान भेजा जाएगा उसको लेकर के मुखर होकर बातें करना, पाकिस्तान को दो टूक जवाब देना, चाइना को दो टूक जवाब देना, कई बार उन्होंने साफ और सटीक लफ्जों में जो भारत के लिए गलत मंशा रखते हैं, जो देश जो लोग उन्हें स्पष्ट शब्दों में अपनी बातें चेतावनी के तौर पर कही है लेकिन सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया गया है जरूरी है क्योंकि उनके पास में वाई श्रेणी की सुरक्षा पहले थी लेकिन अब उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है और आईबी की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय ने जेड श्रेणी की सुरक्षा उनके लिए अब रखी है। जेड श्रेणी की सुरक्षा में क्या होगा, 36 वीआरपीएफ कमांडो उनके साथ सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पहले से वाई श्रेणी की सुरक्षा थी विदेश मंत्री के पास लेकिन अब सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए जेड श्रेणी की सुरक्षा विदेश मंत्री एस जयशंकर को दी गई। तो तेलंगाना में विधानसभा चुनावों की तैयारियां क्योंकि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव है तेलंगाना में भी जोरों पर तैयारियां हैं। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस और कांग्रेस के चुनाव को लेकर जोरदार तैयारी नजर आ रही है। कांग्रेस तेलंगाना में बस यात्रा निकालेगी, घोषणा पत्र बीआरएस जारी करेगी। बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव दशहरे के आसपास की जानकारी है जब ये घोषणा पत्र यानी कि अपना मैनिफेस्टो जनता के सामने उन सभी बिंदुओं को रखकर जारी करेंगे जिस बिंदुओं के आधार पर वो जनता के बीच जाने की और जीत के लिए जो उम्मीद है उसकी कोशिश कर रहे हैं, जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस को बीआरएस के घोषणा पत्र जारी होने का इंतजार है। कांग्रेस इस दाव में बैठी है कि बीआरएस अपना घोषणा पत्र जारी करे और उसके बाद में धूमधाम से बस यात्रा को हरी झंडी कांग्रेस दिखाएगी। एक बस यात्रा बाकायदा यहाँ पर निकाली जाएगी जो पूरे तेलंगाना के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, लोगों से बातचीत करेगी, जनता के हृदय को जनता के मन को टटोलने की कोशिश करेगी और बसों के जरिए तमाम विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचेंगे। बड़े नेताओं में अगर आप बात करते हैं तो राहुल गांधी भी हो सकता है कि वहां पर नजर आए, प्रियंका गांधी नजर आ सकती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिख सकते हैं। कुल मिलाकर के तेलंगाना भी पूरे फोकस पर, पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी जी जान से जुटी है लेकिन बात यहां पर तेलंगाना की जहां पर बीआरएस और कांग्रेस की तैयारी पूरे चरम पर। तो वही मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव है और चुनावों से पहले दल बदल का खेल मिजोरम में शुरू हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष है लाल रिन लियाना सेलो ने इस्तीफा दे दिया है। भाजपा में शामिल होने वाले हैं लाल रिन लियानो सेलो। सेलो ने विधानसभा उपाध्यक्ष और ब्योगजा को इस्तीफा सौंपा है। उपाध्यक्ष एच ब्योगजा वहां पर जिन्हें इस्तीफा सौंपा गया है। एमएनएफ को छोड़कर भाजपा के टिकट पर अब वो चुनाव लड़ेंगे। पहले कांग्रेस में थे और फिर मिजोरम नेशनल फ्रंट में शामिल हुए लेकिन इस बार चूंकि एमएनएफ ने टिकट नहीं उन्हें दिया इसलिए अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जालफिल विधानसभा सीट से चार बार सेलो जीत चुके हैं और एक बार फिर से जीत की उम्मीद उनको नजर आई भारतीय जनता पार्टी के साथ में और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने अब दामन थामा है और इस तरह के दल बदल की तस्वीरें की मानी लगातार चुनाव जब तक होंगे नहीं तब तक आती रहेगी क्योंकि सभी की चाह कुर्सी। बढ़ते हैं आईपीएस डीसी जैन की बात कर लेते हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में अब उनकी नियुक्ति हुई है। अभी तक इससे पहले सीबीआई में ही एडिशनल डायरेक्टर डीसी जैन थे। लंबे समय के बाद सेंट्रल डेप्यूटेशन पर लंबे समय से वो चल रही हैं। डीसी जैन का यहाँ पर हम बात जिनका जिक्र कर रहे हैं 1991 में बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस ऑफिसर डीसी जैन है लेकिन एक नई जिम्मेदारी में आप नजर आएंगे। आईपीएस डीसी जैन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। इससे पहले सीबीआई में थे लेकिन एडिशनल डायरेक्टर वो उस समय थे लेकिन अब स्पेशल डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर से उनका प्रमोशन अब स्पेशल डायरेक्टर के पोस्ट पर हुआ है। आपको बता दें कि लंबे समय से सेंट्रल डेप्यूटेशन पर डीसी जैन है। 1991 बैच के राजस्थान कैडर के होनहार आईपीएस अधिकारी डीसी जैन।
इसराइल को अरब लीग ने दी है कदम पीछे करने की चेतावनी। अरब मंत्रियों ने इसराइल से गाजा की घेराबंदी हटाने की मांग की है। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल ने आरोप लगाया है। अरब लीग के महासचिव ने इसराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया। अरब लीग ने फिलिस्तीन को पूर्ण राष्ट्र का दर्जा देने की मांग की है। अबुल ने कहा कि गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ हम एकजुट हैं। फिलिस्तीन कर रहा इसराइल के नरसंहार का सामना, तो नरसंहार किसने किया है वो सभी को दिख रहा है। नरसंहार कौन कर रहा है वो भी सब देख पा रहे हैं, क्योंकि एक एक तस्वीर वहां से आ रही है। लेकिन इसराइल को अरब लीग ने कदम पीछे करने की चेतावनी दी है। अरब मंत्रियों ने इसराइल से गाजा की घेराबंदी हटाने की मांग की है। अरब लीग के महासचिव है अहमद अबुल, उन्होंने इस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसराइल ने नरसंहार की शुरुआत की। अरब लीग ने फिलिस्तीन को पूर्ण राष्ट्र का दर्जा नहीं देने की मांग की। उन्होंने कहा कि दर्जा अब तक नहीं दिया, लेकिन पूर्ण राष्ट्र का दर्जा फिलिस्तीन को दिया जाना था। ये कहा कि गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ हम एकजुट हैं। फिलिस्तीन इसराइल के नरसंहार का सामना कर रहा है। 13 अक्टूबर को पीसीसी की बैठक होगी। शाम 5 बजे पीसीसी वॉर रूम में बैठक का आयोजन रखा गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा समेत प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद 14 और 15 अक्टूबर को कांग्रेस कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में आयोजित होने वाली है। सभी की निगाहें उस सूची पर जो कि कांग्रेस उम्मीदवारों की जारी करने वाली है। हालांकि 16 अक्टूबर से जनता के बीच ईआरसीपी के मुद्दे को चुनावी मुद्दे के तौर पर कांग्रेस पार्टी ले जाने के लिए कैंपेन की शुरुआत 12 से कर रही है, लेकिन उससे पहले 13 अक्टूबर को पीईसी की बैठक होगी। शाम 5 बजे पीसीसी वॉर रूम में इस बैठक का आयोजन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस बैठक में भी मंथन होगा, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री उस समय मौजूद रहेंगे, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहेंगे, प्रमुख नेता रहेंगे उपस्थित। इसके पश्चात 14 और 15 अक्टूबर 2 दिन दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन होगा। 16 अक्टूबर को ईआरसीपी के कैंपेन की शुरुआत और उसके बाद में कभी भी मानकर चलिए कि कांग्रेस की सूची सभी के सामने आ जाएगी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है झटका। पार्टी के पूर्व 2 विधायकों ने सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात की है। एमपी कुमार स्वामी और रामप्पा लम्बानी ने मुलाकात सिद्धारमैया से की है। दोनों पूर्व विधायकों ने कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है और भारतीय जनता पार्टी को इस इच्छा के चलते झटका लग सकता है। दोनों ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से किनारा कर लिया था, टिकट कट गया था, पार्टी से किनारा किया, हर जगह यही प्रथा। बीते दिनों भाजपा के पूर्व विधायक पूर्णिमा श्रीनिवास ने भी घोषणा की थी। 20 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा उन्होंने की थी और उन्हीं के तर्ज पर अब 2 पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के संपर्क में है। कांग्रेस का दामन थामने के लिए अब वो भी कहीं ना कहीं तैयार है।